आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर है और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए बड़ी खबर, सीमा हैदर के चलते ज्योति मौर्या को तो भूल गए, लेकिन इस बीच एसडीएम ज्योति मौर्या मामले में बड़ा खुलासा आ गया है। अब एसडीएम ज्योति मौर्या की जेठानी सुप्रा मौर्या ने नया खुलासा करते हुए अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके चलते आलोक मौर्या और उसका परिवार मुश्किलों में पड़ सकता है। एसडीएम ज्योति मौर्या केस में ये नया मोड़ आया। अब आलोक की भाभी यानी कि ज्योति मौर्या की जेठानी ने अपने पति और परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाए, ठीक वैसे ही जैसे आलोक मौर्या पर आरोप ज्योति मौर्या ने लगाए थे। और खबर है कि एसडीएम ज्योति मौर्या की ही तरह उनकी जेठानी भी अपने पति से अलग हो गई। शादी के 6 साल बाद जेठानी सुब्रा मौर्या टीचर बनी थी, सरकारी टीचर, लेकिन अब वो भी अपने पति से अलग हो गई। पीसीएस ज्योति मौर्या की जेठानी सुब्रा मौर्या ने बता दिया घर के अंदर क्या होता था। दरअसल पूरा मसला ये है दोस्तों कि अब ज्योति मौर्या की जेठानी का भी ये कहना है कि उनके भी पति विनोद मौर्या उसको शराब पीकर मारपीट करते हैं और इस वजह से वो भी उनसे अलग रहने लगी हैं। बता दूं ज्योति मौर्या की जेठानी सुब्रा मौर्या भी सरकारी टीचर है, प्रयागराज में गवर्नमेंट टीचर है वो। देखते हैं ज्योति मौर्या और सुब्रा मौर्या के आरोप कितने सही साबित होते हैं, क्या आलोक मौर्या गलत है, ये तो वक्त ही बताएगा। कानून और कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आएगा मैं आपको अपडेट बता दूंगा। बहरहाल नोएडा के सचिन सीमा हैदर से जुड़े भी कुछ नए खुलासे सामने आ गए हैं। देखिए स्पेशल डीजी बोले कि सीमा और सचिन से पूछताछ हो रही है, एटीएस और एजेंसी अपना काम कर रही है, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो पाकिस्तानी है। और इसी बीच बड़ा खुलासा ये आ रहा कि सीमा हैदर का झूठ पकड़ा गया। एटीएस की पूछताछ में सीमा हैदर की बताई हुई कुछ बातें झूठी साबित हुई। नेपाल के रास्ते से भारत में एंट्री का दावा भी खोखला निकला। केंद्रीय एजेंसियों को 13 मई वाले कोई सबूत नहीं मिले। दरअसल सीमा हैदर के बताए अनुसार जांच एजेंसियां नेपाल बॉर्डर पर पहुंची उसकी बातों को वेरीफाई करने के लिए, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों ने बसों और बॉर्डर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला जैसा कि सीमा हैदर ने बताया था। सीमा हैदर की कहानी में एक और नया पेच आ रहा है। सीमा हैदर के सभी डॉक्यूमेंट्स में उसकी उम्र, डेट ऑफ बर्थ अलग अलग बताई गई है। अब ये भी सीमा हैदर के लिए बड़ी मुश्किल बन सकती है और सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की तैयारी भी चल रही है। खबर है कि फिर से अरेस्ट किया जा सकता है सीमा हैदर को। आईबी के रेड फ्लैग के बाद एटीएस एक्टिव हुई। और इसी बीच कल सीमा हैदर यानी कि नोएडा के सचिन के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया कुछ लोगों ने, पाकिस्तान भेजो सीमा हैदर को, इस तरह के नारे भी लगाए। और महिलाओं ने ये पोस्टर पकड़े हुए नारे लगाए, देख सकते हैं आप कि पाकिस्तान के अब्बू की जागीर नहीं है हिंदुस्तान, सीमा हैदर को बाहर निकालो। लगता है सीमा और सचिन का प्यार जल्द ही टूट जाएगा। खैर फिलहाल तो सीमा हैदर मामले को लेकर एटीएस पूछताछ कर रही है और जांच कर रही है इस बात का पता लगाने के लिए कि कहीं सीमा हैदर के तार आईएसआई से तो नहीं जुड़े या कहीं सीमा पाकिस्तानी एजेंट या जासूस तो नहीं है। अभी सीमा हैदर के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल और 5 फर्जी पासपोर्ट भी बरामद हुए। यूपी डीजीपी कार्यालय की तरफ से यह खुलासा किया गया और इस मामले पर भी आगे की जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा हमारे इसी न्यूज चैनल डेली यूपी न्यूज के माध्यम से। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। देखिए आप, योगी सरकार ने प्रदेश के छात्रों को बड़ा तोहफा दिया। अब स्टूडेंट्स को महंगी पुस्तकें और ड्रेस वगैरह नहीं खरीदने पड़ेगी और इससे उनके मम्मी पापा को भी फायदा होगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूली छात्रों को 2300 करोड़ की सौगात देते हुए स्कूल बैग और ड्रेस के लिए धनराशि बांटी। प्रदेश के 1,91,00,000 छात्रों को बड़ा तोहफा मिला। 1,200 रुपए उनके पेरेंट्स के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए डीबीटी के जरिए। ड्रेस, बैग, जूता, मोजा और स्टेशनरी के लिए यह रकम भेजी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 125 कस्तूरबा गांधी स्कूलों का लोकार्पण भी किया। सीएम ने कहा कि साल 2017 से पहले जिन विद्यालयों में बच्चे आने से डरते थे, 6 साल में वहां 55 से 60 लाख अतिरिक्त बच्चों की संख्या बढ़ी है। और इसी बीच कल सीएम योगी टॉप एजुकेशनल ग्रुप के प्रमुखों से भी मिले। यूपी में इन्वेस्टमेंट के लिए भी उनको आमंत्रित किया और सभी जिलों में यूनिवर्सिटी खोलने पर अब योगी सरकार का फोकस है। निजी विश्वविद्यालय यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जरिए प्रदेश में निवेश का आमंत्रण किया है। सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किया गया निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता है, हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा आयोग बनाने की प्रक्रिया भी जारी है और जल्द ही शिक्षा आयोग का भी गठन कर लिया जाएगा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये उच्च शिक्षा आयोग बनाया जाएगा। और देखिए योगी सरकार ने आंकड़ा जारी किया, अब तक 9 जून से लेकर अब तक मतलब लगभग 1.5 महीने में 10,000 से भी ज्यादा ज्वाइनिंग लेटर बांटे गए प्रदेश में युवाओं को। अच्छा वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 जुलाई को मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे, शुक्र तीर्थ में अपनी पहली जनसभा करेंगे, फिर गंगा आरती भी करेंगे। तो उनके इस दौरे को लेकर भी तैयारियों में जुट गए हैं अफसर, रंगे जा रहे पुल और भरे जा रहे सड़कों के गड्ढे भी। खबर है कि 22 जुलाई को शुक्र तीर्थ पर सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। अच्छा वही देखिए गाजीपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए लेना होगा शिव संकल्प, बनना होगा मॉडल। अच्छा अगली खबर है, 2 दिन के दौरे पर प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह बरेली आएंगे। 22 जुलाई को बरेली में पौधरोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, वन महोत्सव की शुरुआत भी करेंगे। अच्छा योगी सरकार का बड़ा फैसला देखिए, ऋतु माहेश्वरी को नोएडा अथॉरिटी से हटाया गया और लोकेश एम नए सीईओ नियुक्त किए गए। सीईओ ने ग्रेटर नोएडा को 1 महीने में चमकाने का वादा किया, कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठक की और कहा कि अच्छा काम करने वाले सफाई कर्मी को भी पुरस्कृत किया जाएगा। बड़ी खबर देखिए, प्रतापगढ़ में 3 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला जाएगा, मां बेला देवी के नाम से जाना जाएगा प्रतापगढ़ रेलवे जंक्शन। अच्छा खबर है कि एक बार फिर से अपने साथी सारस से मिलने पहुंचे आरिफ, चेहरे पर रुमाल बांध कर गए थे लेकिन फिर भी चिड़ियाघर में तैनात रेंजर ने उन्हें पहचान लिया तो मिलने नहीं दिया। अच्छा प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है, इटावा के अजीत सिंह ने भारत को दिलाया गोल्ड, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्थापित किया कीर्तिमान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इनको बधाई दी।
हमारी तरफ से भी मेनी मेनी कांग्रेट्स इटावा के अजीत सिंह जी के लिए। इन्होंने उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का नाम इंटरनेशनली रोशन किया, और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए। अजीत उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम सभी यूपी वासियों के लिए भी बड़े गर्व की बात है, फटाफट से लाइक ठोक दीजिए। और हां एक और बात आपको बता दूं, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो भी कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश से जुड़े सारे अपडेट्स एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए आप सिद्धार्थ नगर पहुंचे मंत्री संजय निषाद, कहा पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आज भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अच्छी खबर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी के लिए पोर्टल का शुभारंभ हो चुका है। 14 अक्टूबर 2022 के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों को सब्सिडी का फायदा मिलेगा। सीधे बैंक खाते में सब्सिडी की राशि भेजी जाएगी। इसके लिए पोर्टल है UPEV Subsidy.in, इसको योगी सरकार ने लागू भी कर दिया। तो अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो आप इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पर आपको ज्यादा जानकारी भी देखने को मिल जाएगी, कुछ नियम और शर्तें हैं उसके बारे में भी। अच्छा खबर देखिए आप, जल्द देश को मिलेगा डेटा प्रोटेक्शन लॉ। साइबर एक्सपर्ट रक्षित टंडन बोले कि बच्चों को सेफ इंटरनेट सफरिंग का ज्ञान होना जरूरी है, ठगों की बच्चों पर नजर रहती है। अच्छा बड़े दुख की बात है, बाराबंकी में सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। रोडवेज बस ने ई रिक्शा में मारी टक्कर, 5 लोगों का गंभीर हालत में लखनऊ में इलाज भी चल रहा है। वहीं खबर देखिए, वाराणसी में मलेरिया डेंगू पर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट, स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक हुई। पुराने हॉटस्पॉट वाले इलाकों में होगा एंटी लार्वा का छिड़काव। ललितपुर में 22 जुलाई को होगा भारतगढ़ महोत्सव, तैयारियों का डीएम ने लिया स्थलीय निरीक्षण। डीएम बोले महोत्सव में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी जानेंगे गौरवशाली इतिहास। पुरानी पेंशन योजना के लिए 10 अगस्त को होगी महारैली, 22 जुलाई को निकाली जाएगी रथ यात्रा। यूथ हॉस्टल में सिक्सको ने इसको लेकर रणनीति भी बनाई। खबर देखिए, 700 किलोमीटर का होगा गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों से होकर यह गुजरेगा। 111 गांवों में जमीनों का अधिग्रहण भी हो चुका है और इस एक्सप्रेसवे को बनाने को लेकर कवायद भी तेज हो गई है। वहीं देखिए, सीतापुर में किसान दिवस पर बांटे गए पेड़। अफसरों ने मोटे अनाज की खेती के लिए प्रेरित किया, समस्याओं का एक सप्ताह में निस्तारण करने का वादा भी किया। सीतापुर में 31 जुलाई को लगेगा रोजगार मेला, 18 से 40 साल के युवाओं को मिलेगा मौका। सेवा योजना अधिकारी बोले पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। आप भी रोजगार मेले में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं sevayojan.up.nic.in पोर्टल पर, ठीक है ना। अच्छा खबर देखिए, सिद्धार्थनगर में किसान दिवस का आयोजन हुआ। डीएम ने किसानों की समस्याओं को सुना और छुट्टा गोवंशों को गौशाला में भेजने के निर्देश भी दिए। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ निकली भव्य कलश यात्रा। बलिया में गांव की परिक्रमा करते हुए गंगा तट तक पहुंचे भक्त, महिलाओं ने मंगल गान भी गाए। वाराणसी में CRPF ने लगाए 2000 पौधे, 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है और इस अभियान का शुभारंभ हो चुका है। बच्चों और शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वही देखिए, वाराणसी में एक फोन पर मिलेगा आपको 80 रुपए किलो टमाटर। वैसे अब तो 70 रुपए किलो ही मिलेगा, क्योंकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। जो पहले 80 रुपए किलो टमाटर थे ना, तो उन सब्सिडी वाले टमाटर के रेट में 10 रुपए की कटौती कर दी है और अब 80 की बजाय 70 रुपए किलो के भाव पर बिकेंगे टमाटर। सरकार खुद बेचेगी, बाकी मार्केट में तो अभी सब्जी वालों के रेट तो 250-300 के आपको पता होगा। तो वाराणसी में नई सुविधा शुरू की गई जिसमें फोन करके आप मोबाइल वैन आपके एरिया में बुला सकते हैं। इसके लिए नंबर भी जारी किए गए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इन इन इलाकों में ये टमाटर बांटे जाएंगे। अच्छा वही खबर है कि RSS प्रमुख जिन मठ और आश्रम में जाएंगे उनकी शाखाएं अमेरिका नेपाल तक हैं। मोहन भागवत 5 दिन में पूर्वांचल के 3 जिलों का दौरा करेंगे, 20 राज्यों के वोटर्स को साधने का भी प्लान है। मिर्जापुर में भी 2 दिन रुकेंगे RSS प्रमुख मोहन भागवत। विंध्याचल देवरहा बाबा आश्रम में रुकेंगे ये। हनुमान जी को चढ़ाएंगे 51 मन लड्डू का प्रसाद। बड़ी खबर देखिए, 948 विरासत वृक्षों को भी संवारेगी योगी सरकार। 100 साल से ज्यादा आयु वाले 28 प्रजाति के वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया है और इनकी देखरेख के लिए भी अब योगी सरकार ने नया प्लान बना दिया। अच्छा अच्छी खबर है, गोरखपुर से प्रयागराज तक जल्दी चलेगी वंदे भारत ट्रेन। 15 अगस्त से शुरू करने की तैयारी है। रायबरेली और फाफा मऊ के रास्ते से ये ट्रेन चलाई जाएगी। अच्छा चलिए दोस्तों, अब अपन प्रदेश के मौसम के हालातों पर नजर डालते हैं। देखिए यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान के करीब बना हुआ, अभी भी पानी यमुना घाट तक पहुंचा, ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं देखिए, आगरा में उफनती यमुना में युवाओं की खतरनाक स्विमिंग देखी गई। आगरा में बेटेश्वर के मंदिरों में भी पानी घुसा, जान जोखिम में डालकर यमुना नदी में नहा रहे युवा। जरा देखिए ये तस्वीरें, आए दिन लड़के लड़कियों के डूबने की घटनाएं देखी जाती रहती है, फिर भी लापरवाही करते हैं। देखिए गोरखपुर की राप्ती नदी में 2 सगे भाई डूब गए, एक युवक को बचा लिया गया, दूसरा लापता, दोस्त संग नदी में नहाने गए थे ये भी। तो वहीं वाराणसी में देखिए दोस्तों, बाढ़ की वजह से आरती स्थल 10 फीट पीछे खिसका, 7 घाटों का संपर्क टूटा। सहारनपुर में यमुना की धार में बहा एक JEB, फिरोजाबाद में एक परिवार भी फंस गया। आजमगढ़ में बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर, ADM आपदा बोले 551 नाव और 15 बाढ़ चौकियां बनाई गई। नाविकों को सेफ्टी किट भी दिए गए। अच्छा उत्तर प्रदेश में 3 दिन रहेगी उमस भरी गर्मी, फिर पलटेगा मानसून। पूर्वी यूपी में 22 के बाद होगी बारिश और अभी भी मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ। 48 घंटों के दौरान तांडव मचाएगा मौसम, कई जिलों में चक्रवाती बारिश का अलर्ट है।
आगरा में भी देखिए बाढ़ का कहर देखा गया, लोगों के घरों में पानी घुस गया। दो दिन से पशुओं को नहीं खिलाया चारा, गर्मी से हो रहे बेहाल। यमुना का पानी आने से लाइट भी कट गई। तो ये कुछ हालात चल रहे हैं। और एजुकेशन पर देखिए बड़ी खबर, वाराणसी से BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप कमेटी में शामिल हुई। स्ट्रेस फ्री रखेगी ये डेस्क। मैनी कांग्रेस डॉक्टर मौसमी मुत्सुद्दी को। अच्छा देखिए, सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो सामने आया जिसमें राखी सावंत योगी जी के साथ वोट मांगने की कह रही है। वो कहती है, योगी जी 2024 के चुनाव में मुझे खड़ा करो, घर घर वोट बांटेंगे। अच्छा बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा विदेशी निवेश लाने के लिए भी योगी सरकार ने रणनीति बनाई है। मुख्यमंत्री योगी ने समीक्षा बैठक भी की अधिकारियों के साथ। खबर है, पीएम मोदी महाकुंभ से पहले प्रयागराज को दे सकते हैं 15,000 करोड़ का तोहफा। सिरिंगवेरपुर में बनेगा तीर्थ क्षेत्र। अच्छा मेरठ के कबाड़ी बाजार में 3 साल से बंद पड़े कोठे आज से खुलेंगे, एक शर्त पर सिटी मजिस्ट्रेट ने दी अनुमति। कबाड़ी बाजार में 3 साल से बंद पड़े 15 कोठे को खोल दिया जाएगा। कार्यवाही के दौरान कबाड़ी बाजार के इलाके में मौजूद पुलिस फोर्स की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ 8 एम्बुलेंस भी दौड़ेगी दिन रात, नहीं चढ़ पाएंगे आवारा पशु इस एक्सप्रेसवे पर। इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अच्छा रेलवे को लेकर खबर है, वाराणसी की कई ट्रेनें 5 दिन के लिए कैंसिल, तो कईयों का रूट भी बदला गया। संगम एक्सप्रेसवे में 26 तारीख से लग जाएंगे जर्मन तकनीक वाले रेलवे कोच, अधिकतम 130 की रफ्तार से दौड़ सकेगी ट्रेनें। अच्छा खबर है, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा के मिशन 80 में शामिल सहायक बनेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य, इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मायावती ने विपक्षी गठबंधन इंडिया से बनाई दूरी, लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश को दी कई सौगातें। राजधानी लखनऊ में बनेंगे 4 नए ROB और एक फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा। आधे घंटे में तय होगी लखनऊ से कानपुर की दूरी। वेस्ट यूपी और पूर्वांचल भी जुड़ेंगे। अच्छा बांदा में देखिए, चित्रकूट धाम के 4 जिलों के परिषदीय स्कूलों का बड़ा मामला सामने आया। 5,500 बच्चों का फर्जी नामांकन, सरकार से ले रहे लाभ, पढ़ रहे प्राइवेट स्कूलों में। वहीं देखिए, सीमा हैदर मामले को लेकर DGP कार्यालय ने भी माना कि अवैध तरीके से भारत पहुंची सीमा, 4 मोबाइल 5 पासपोर्ट बरामद कर लिए गए। और सवाल ये कि क्या पाकिस्तान डिपोर्ट होगी सीमा हैदर, इस पर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने भी जवाब दिया और कहा कि कानूनी कार्यवाही चल रही है, जांच और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की पड़ताल कर रही है, आगे कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा वो सभी को मंजूर होगा। वहीं खबर है, सीमा हैदर को जान का खतरा, ATS ने सचिन और बच्चों समेत सीमा को सेफ हाउस में शिफ्ट किया। अच्छा बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 16,000 प्रवासी भारतीयों के पैन कार्ड निरस्त किए गए। वजह, जिन प्रवासी भारतीयों ने 3 साल से आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया उनके पैन कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में अचानक बंद हो गया ये बैंक, RBI ने कैंसिल किया लाइसेंस, ग्राहकों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए तक जमा राशि DICGC एक्ट के तहत। दरअसल RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सख्त कार्यवाही के चलते उत्तर प्रदेश के एक बैंक पर ताला लग गया। रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ ये कार्यवाही की है और इस बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। अब ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक की धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा, बाकी की धनराशि बैंक की एसेट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड की जाएगी। अच्छा खबर है दोस्तों, की तेजी से घट रहे 75 से 100 साल की आयु के पेंशनर, प्रदेश में 5 साल की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा सामने आया। मुरादाबाद के अजय को लेकर नया अपडेट आ रहा, बांग्लादेशी हसीना का टॉर्चर देखा जा रहा। जूली के लिए सरहद लांघने वाले अजय ने बयां किया दर्द, मैं परेशान हूँ, मेरी मदद कर दो जरा। जालिम जूली का खूनी खेल सामने आया। ये मामला भी ठीक सीमा हैदर जैसा ही था, लेकिन यहाँ उल्टा निकला। सीमा सचिन से बे इम्तिहा मोहब्बत करती, प्यार करती है, लेकिन जूली ने अजय के साथ सिर्फ प्यार का नाटक किया। बांग्लादेश से यहाँ आई, शादी की, धर्म भी बदला, उसके बाद बहला फुसला कर अजय को अपने साथ बांग्लादेश ले गई और वहाँ उसे ब्लैकमेल किया जा रहा, टॉर्चर किया जा रहा। और इसी के साथ ही दोस्तों, ये आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार यही समाप्त होते हैं। आप प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, वन